लेकिन उसने हमें केवल 3 घोड़े वापस दिए। वहां से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के शिवरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा, फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया, वे एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। माँ साहेब के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी केवल 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार का कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहां से हम अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहेब के 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 रुपए सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें केवल 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उन्हें बड़ा किया। सन 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी का एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पुणे में रहता है। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का उन्होंने विवाह करवाया। लेकिन कुछ ही समय के बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो गया। दामोदर राव के दूसरे विवाह से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासियों और कठिनाइयों से भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव तथा चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां की याद में उनके अनेक चित्र बनाए हैं, जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर हैं। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर साल 2002 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुण राव झांसीवाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीति का धनवंतरी नगर इंदौर में सामान्य नागरिकों की तरह मध्यम वर्गीय परिवार है।